आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति त्रिवेदी, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। बेतिया के उज्जैन टोला वार्ड नंबर 34 में दो दुकानदारों के बीच में जमकर हुई मारपीट। इंटरनेशनल बैटरी के नाम से दुकान चलाने वाले मसीहा आलम जो तेजाब को नाली में फेंक रहे थे, उसी दौरान उनके पड़ोसियों ने तेजाब को नाली में फेंकने से मना किया, जिससे बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गया। दुकान के शीशे तोड़ दिए गए और दुकान में मौजूद सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। आपको बताते चलूं कि मामूली सी बात को लेकर दूसरे पक्ष के लोग उग्र हो गए, जिससे मामला ज्यादा बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। वो भी उठा के ले गए उस बैटरी को भी। आपका पूरा नाम क्या है? कमरुल हक। अभी आवेदन में तो बताया जा रहा था 1 लाख कुछ रुपया। 1 लाख कुछ रुपया वो भाई भाई को मालूम नहीं था, जो कि कुछ एक बंधन बैंक के है स्टाफ जो आते हैं कुछ कैश लेके जाते हैं, उनको 1 लाख रुपया कैश दिलाया था, वो लेके चले गए हैं जमा करने के लिए। FIR हो गया? हाँ, FIR हो चुकी है। FIR में मैं वही दिया हूँ जितना पैसा उसमें था, 82,000 को समथिंग। ये झगड़ा कितने बजे हुई? झगड़ा करीब 2 बजे करीब में हुई है। प्रशासन यहाँ पहुँचे कितने? प्रशासन यहाँ पे 2:30 बजे करीब में पहुँची होगी। अब ये थाना में ही बता पाएंगे कौन कौन थाना था। महिला थाना है वहाँ से? हाँ, बगल में महिला थाना है, वहाँ तो 50 कदम पे है, वहाँ से कोई नहीं आया। लेकिन बगल में महिला थाना होने के बावजूद भी थाना को भनक लिया और नगर थाना, मुफस्सिल थाना, कालीबाग सब थाना मौजूद था। लमसम का यहाँ से 500 कदम से लोग आ चुके हैं, मगर बगल में 50 कदम पे महिला थाना है, वहाँ से कोई नहीं आया। महिला थाना ने कोई एक्शन भी तक नहीं? कोई नहीं लिया, कोई आया भी नहीं वहाँ से। बोलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकीला खातून है। हम मकान मालिक है। हमारा दुकानदार के साथ बहुत नाजायज हुआ है, नाली में तेजाब गिराए बाबू, तो 10 दिन से इसको परेशान किया जाता है। ए बेरा के दोपहर में आके अब 30-40 आदमी दुकान के लूटपाट करके और लड़का सब के मार पीट के एकदम अधमुआ बना दिया है। सब 2 गो लड़का हॉस्पिटल चला गया है। लो, हमारे दुकानदार के भाई लो, हमारे दुकानदार भी अभी दुकान में नहीं है, वो अपना इलाज कराने उग गया, हम दुकान में बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? तेजाब गिरा माने गंदगी गिराने के लिए था। गंदगी नालियों में ना गिरता है, घर में किसी को नहीं ना गिराया जाता है, नाली में तेजाब गिर गया है, इसीलिए झगड़ा हुआ है। इसी बात को जी, सब शीशा उसे तोड़ दिया है सब। औरत मरत 50 आया है, सब शीशा उसे तोड़ के दुकान पूरा छितिर बितिर कर के मार पीट के एकदम लूटपाट के चला गया है। सब प्रशासन आया था? जी, प्रशासन आया था। आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे जो कार्रवाई होगा उचित होगा, उचित कार्रवाई करना है आप लोग का। आपका नाम क्या है? मुनाजिर हसन मेरा नाम है, मैं उज्जैन टोला निवासी हूँ। मैं अपने घर के पास, मेरा जो अपना गली है उसके बगल में नाला है, सरकारी नाला जो बड़ा, अभी 1 साल पहले PCC ढलाई हुआ है, ठीक है। उस नाले में नाला का पानी निकलता है, वहीं पे ही बगल वाला दुकानदार जिसका बैटरी का दुकान है, तेजाब गिरा के, ठीक है, वो नाला को पूरा ख़राब कर दिया है। इसी का विरोध करने पर वो बोल रहा है तुम्हारा नाला है, पहले भी इससे पहले हम मना किए, ठीक है। तो सरकारी नाला है, इसमें आप क्यों विरोध कर रहे हैं? आप क्यों विरोध? तो सरकारी नाला है, कुछ भी दबाया जा सकता है, आपका मकसद क्या है? विरोध करने का मकसद यही था कि पूरा वो खदर देता है तेजाब, और ढलाई वाला नाला है जो खदरने के बाद खराब हो जाने के बाद वो फिर बनने वाला नहीं है, वो ढलाई नहीं हो सकता है। से कंप्लेंट किया था? जी, वार्ड पार्षद से कंप्लेंट किया था इस बात का? वार्ड पार्षद से किए थे कम कि ये हमेशा तेजाब डालता है? नहीं, अभी उनके पास हम नहीं बोले, हम इसे भाईचारे के नाते बोले कि भाई ऐसे करोगे, ठीक है, तो ये खराब हो जाएगा नाला, ठीक है, तुम इसके बहाव चालू। वार्ड नंबर 34 अंतर्गत दो बिजनेसमैन आपस में लड़े हैं सिर्फ तेजाब को नाला में फेंकने की वजह से, तो आप वार्ड पार्षद पुत्र आलमगीर अशरफ साहब, इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? आपके क्या मकसद है? सबसे पहले तो इस तरह की घटना की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि दोनों ही लोग हमारे काफ़ी करीबी हैं और दोनों ही समझदार बिजनेसमैन हैं। पता नहीं किस कारण, किस मनमुटाव से इस तरह की घटना घट गई है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में ये सारी जानकारी मिली है और
मैं अभी तुरंत थाने की ओर जा रहा हूं और वहां मामले को समझ लेता हूं, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि दोनों पक्ष, दोनों भाई, हम सभी बुद्धिजीवी लोगों का बात मान के आपसी तालमेल बैठाकर इसको कंप्रोमाइज़ कर मामला को ख़त्म करें, और इसको जिस हद तक भी जाना होगा मामला कंप्रोमाइज कराने के लिए मैं जाऊंगा और मामला को इंशाल्लाह रहमान ख़त्म कराऊंगा। लेकिन दोनों पक्ष के लोग अपना अपना आवेदन थाने में दे चुके हैं और FIR करने के लिए अडिंग बने हुए हैं, क्या आपके द्वारा इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, आपकी भाईचारा बना? हमारे नगर थाना प्रभारी भास्कर जी भी काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर 2-4 घंटे में मामले को आप रफा दफा करवा लेते हैं एक दूसरे के सहमति के बिना पे, तो मैं FIR नहीं करूँगा, और जो भी जिसका नुकसान हुआ है वो आदमी एक दूसरे के नुकसान की भरपाई कर देता है, तो फिर इस मामले को बिना रजिस्टर्ड किए हुए ख़त्म किया जा सकता है। मौके पर प्रशासन पहुंचकर मामले को शांत कराया, अब आगे देखना है प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। धन्यवाद।